बदतमीजी मत करो यार, जान पूछ कैसे टर्न ले रहा है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ सनम जंग, वेलकम टू जागो पाकिस्तान जागो। आज हम बात करने जा रहे हैं वाजिद के हवाले से और मेकअप के हवाले से, और बहुत सारे सवाल आपके, उनके हम जवाब देंगे। लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद आप कहीं नहीं जाएगा, स्विच मत कीजिएगा, मैं यूं गई और यूं आई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रही हूँ वाजिद के सैलून पे रूट्स कराने, थोड़ा सा हशर मेरा ठीक हो जाए बिकॉज बहुत अब टाइम आ गया है। और वाजिद मुझे कॉल कर रहा है, मैं थोड़ा सा लेट हूँ। मैंने से कहा था मैं 3:10 पे आ जाऊँगी, बट अभी 3:20 हो रहे हैं और 25 हो रहे हैं, बट आई एम ऑलमोस्ट देयर। एंड वाजिद कह रहा है क्या हुआ, अगर आप टाइम पे नहीं आ सकती हैं तो भी कोई बात नहीं, हम ट्यूसडे को कर लेते। मैंने कहा नहीं, मैं निकल गई हूँ, घर से निकलना भी आपको पता ना कितना मुश्किल होता है, 10 काम छोड़ के आप निकलते हैं और यहाँ तो हर चीज़ आपके ऊपर ही होती है। एग्जाम ड्राइव कर रहा है बड़ी गंदी। यस अलाया, यू गोइंग विद डैडी? You want to say something? अब बोलो, इसमें बोल सकती हूँ, अब बोलो। What do you want to say? iPad. You want iPad? और कुछ बोलना है? और कुछ बोलना लोगों को जो आपको भी देख रहे हैं? One hour later. I just died in the game. You died in the game? Okay. और लेट हो रहा है ना, मतलब इंसान यार पेट्रोल फुल करा के रखे, एक बंदा ई पे चल रहा होता है, हमारे मियाँ ई पे चल रहा है, मेरे को तो गुस्सा आ रहा है। स्पेशली जब हम लेट हो रहे होते हैं ना तो मज़ा नहीं आता है कि आप रास्ते में रुके, पैनिक मची हुई होती है और ये सब अब जाएंगे पेट्रोल डलाएंगे। तो अब जब ये अपलोड होगी वीडियो तो वाजिद को पता चल जाएगा कि हम लेट एक्चुअली में क्यों हुए हैं। ओके जी, सो आई एम हियर, आई एम गोइंग इनसाइड, इट्स ऑन द सेकंड फ्लोर। एक इंसान भी उसी पोजीशन पे रहो। इस पोजीशन से कोई मुझे बना रहा है बाहर से वीडियो, मैं हैरान कि क्या हो रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कांग्रेचुलेशन। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद ज़हे नसीब, वो आए हमारे घर पे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको और कभी हम अपनी दीवारों को। वेलकम। कितनी अजीब सी बात है ना, अब से 2 सेकंड पहले मेरे पीछे खड़ा हुआ था और अभी मुझसे पहले कंटिन्यूटी लोग भूल जाते हैं। ओके जी, दिस इज लवली। सो यहाँ हो क्या रहा है भाई, ये फेशियल वेशियल हाइड्रा फेशियल एंड आई सी ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, ओह माय गॉड दैट्स अमेजिंग। एंड वी हैव बुशरा हियर। हेलो। तमाम लोगों को बताते चलूं कि बुशरा मेरे साथ यहाँ मौजूद है एंड शी इज वेरी फेमस हियर इन शुगरलैंड। मुझे वाजिद कह रहा था सनम यू आर कमिंग, तो तुमने हाइड्रा फेशियल भी कराना है। मैं थोड़ी हेजिटेंट थी, मैंने कहा कि वाजिद मैंने स्किन पे ऑनेस्टली कभी कुछ कराया नहीं ऐसे। अच्छा? हाँ एक्चुअली कुछ नहीं कराया, सर मैंने PRP एक दफा कराई थी, वो माइक्रो नीडल। सो चल में कुछ लोग मेरी तरह होते ना, थोड़े से स्किन फालतू में डर रहे होते हैं। सो हाउ गुड इज हाइड्रा फेशियल फॉर ड्राई स्किन? हाइड्रोफेशियल एक तो सब स्किन टाइप के लिए है, ऑल टाइप्स ऑफ स्किन, और ये इसमें एज भी कोई नहीं है कि मेरे पास इलिनॉय में 12-year-old गर्ल थी। हाइड्रोफेशियल हम करते हैं, इससे हमारी स्किन को क्या फायदा है? इससे फायदा ये होता है कि ये एक तो 30 मिनट्स का ट्रीटमेंट है, इसमें एक्सफोलिएट आपकी स्किन होती है, आपके जो क्लॉक पोर्स हैं वो एकदम क्लीन हो जाते हैं, एंड इट्स सक्शन। ओके, एंड इट्स ऑल कस्टमाइज, इट्स ऑल स्किन टाइप्स कस्टमाइज। ये ऐसा नहीं है कि मैं एक मैंने फेशियल सीखा है और मैं हर स्किन टाइप पे वो कर रही हूँ। ड्राई स्किन के लिए सेटिंग्स अलग होती है, ड्राई सेंसिटिव, यंग स्किन, मैच्योर स्किन, ऑयली, डिहाइड्रेटेड, रोजेशिया, डिहाइड्रेटेड, ड्राई, एक्नी, एग्जैक्टली एक्नी, और क्योंकि रोजेशिया वाले बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, या जैसे हाइपर पिगमेंटेशन हो गई, तो इसमें इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं कि वो भी कस्टमाइज होती हैं और इसकी सेटिंग्स भी सारी कस्टमाइज होती है। आज हम सारी सेटिंग्स देखेंगे और आज हम अपनी स्किन पे सब करा के देखेंगे कि क्या होने वाला है, इसके बाद हम आपको भी दिखाएंगे। फोन करता है, कह रहा है गाजर हलवा खाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ी शर्मा, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा बेचारी यहाँ ना मुश्किल होता है बनाना खाना, मैंने कहा बेचारी बुशरा ने बनाया हुआ हिसाब लेके आ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, इट्स ओके। नहीं, कह रहे नहीं सुनने तो स्टोरी बोला, मैं मस्जिद में, मैंने कहा मैं नहीं सुनूंगी, जब आऊंगी तो सुनाना, अब बताओ। मस्जिद में मैं नमाज पढ़ रहा था तो मेरे बराबर में शादी थी, तो बोलते अच्छा रात का खाना आप मेरी तरफ से खाएंगे, तो मैंने ना मैं क्यों खाऊंगा, मतलब मैं शेफ हूँ और मैं केटरिंग करता हूँ और इस तरीके से, तो आप अपना नंबर मुझे दे दें।
मैंने उनको नंबर दे दिया। हाँ। नंबर देने के बाद जब इशा की नमाज पढ़ के मैं घर आ गया। हाँ। तो मुझे उनका फोन आया, मैंने बोला आप तो मस्जिद ही नहीं आए। तो बोलते हैं मैं तो कुकिंग कर रहा था, और कुकिंग के बाद कपड़े ऐसे हो जाते हैं। हाँ। क्या मस्जिद आने फिर मैंने बोलते मैंने घर पे नमाज पढ़ ली, लेकिन मैं आपका खाना लेके आ रहा हूँ। खाना जब लेके आए तो उसमें बिरयानी थी, उसमें कोरमा था और गाजर का हलवा था। तो कोरमा तो ऐसा लगता देख का कोरमा है, बिरयानी भी देख के बिरयानी, वो तो हमने बहुत खत्म हो गए, बहुत बिरयानी बहुत खत्म। लेकिन गाजर का हलवा मैंने रखा था, मैं मुझे लगा कि आपको पसंद होगा तो मैं लेके आया, तो मैं आपको खिलाऊंगा। बहुत मजे का था। चलो भाई कुछ करते हैं, रूट्स करने की तो बहुत जरूरत, कुछ करते नहीं है, रूट्स करने की बहुत जरूरत है। और भी कुछ कर सकता था, लेकिन दोस्त होता है आपका जो आपको ढूंढ के ना एम्बेरस करता है, वो ये अभी क्या चल रहा है, मतलब मुझे लोग इतने मैसेज कर रहे हैं वाजिद तुम्हारे लिए कि वाजिद का नंबर दे दे, वाजिद इंस्टाग्राम पे हमें जवाब नहीं दे रहे हैं, हमें कट कराना, में ये क्या चक्कर है भाई, क्यों नहीं जवाब दे रहे? नहीं नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे ज्यादा, तो मुझे लग रहा है आप ही मेरी मैनेजर हैं। मैं एक्टिव हुई हूं ना, मैं बात ही 25% आपका 25 मेरा। वाओ वाजिद डिस्पोजेबल, क्या बात है, लगता है कराची से प्रिपेयर होके आए हो। लेट्स बी ऑनेस्ट यार, सबके पास वक्त नहीं होता कि वो सैलॉन जाए, एंड ऑनेस्टली इट्स एक्सपेंसिव आल्सो, ठीक है। एंड आई नो कि यू आर वन काइंड ऑफ अ पर्सन जो कोई बात छुपाता नहीं है, अपनी जो नॉलेज है वो दूसरों को देता है। तो मुझे बताया कि घर पे खवातीन को खुद से डाई शाई लगाना हो क्या? अच्छा मुझे लगता है कि जो खवातीन घर पे डाई करना चाहती हैं, यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारी खवातीन वो बॉक्स डाई कर लेती हैं। बॉक्स डाई जो डब्बे वाला जो कलर मिलता है, जो सारे कलर आजकल आ रहे हैं। अच्छा वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो मेटालिक डाई होते हैं, उससे आपके बाल बहुत ड्राई होते हैं। हाँ मुझे बताया ना, मतलब आप शैम्पू पे खड़े हैं, आप लगा के खड़े हैं, 5 मिनट बाद आपका कलर सर पे हो गया, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग केमिकल होगा। अच्छा वो तो हाँ सही कह रहे हो, कुछ शैम्पू वाले जो कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बॉक्स डाई। तो उसके आप उससे बेहतर है कि आप ट्यूब और डेवलपर अलग मिलता है, शॉर्ट्स को आपका ले लें या किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, आप वो लगाएं आराम से, उससे आपके बाल ड्राई भी नहीं होते हैं। और क्या होता है जब आप वो डब्बे वाला बॉक्स ड्राई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उतारना बहुत मुश्किल होता है। तो लिसन एक बात बताओ कि लोग कहते हैं कि ड्राई करने के बाद यू नो डोंट पुट ऑयल, मतलब डोंट ऑयल योर हेयर, तो ये सही है कि उससे जल्दी उतरता है? सनम सरसों का तेल या खोपरे का तेल आप सर पे लगाएं और आप अपना रूट टचअप कर लें, आपके बालों पे कलर आ जाएगा और आपके बाल सेफ रहते हैं। और फिर उसके बाद उससे बाल आपके ड्राई होते हैं और कलर बहुत शानदार आता है और बाल शाइनी भी रहते हैं। अच्छा ऑयलिंग आप रात में करें, सुबह धो दें, इतना नहीं ओवरनाइट आप लगाए, बस रात में लगाए सुबह धो दें, ये बहुत ज्यादा पूरा पूरा दिन जो लगा के रखते हो बेकार की चीज है, कोई फायदा नहीं है। नहीं ओके, तो हमारा ये हो गया। तो अब हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं, तो अब हम कलर हो गया बिल्कुल नेचुरल और कोई बालों में ड्राइनेस नहीं आई, बहुत खूबसूरत कलर, बाल सॉफ्ट कैसे हुए हैं। केराटिन मिस्ट का स्प्रे किया है और शैम्पू कंडीशनर अच्छा करें तो आपके बाल सॉफ्ट होंगे। ओह माय गॉड, तो ये रखना चाहिए अपने पास, कोई मसला तो नहीं है? हर तो एवरी टाइम जब बाल आपके गीले हो तब आप करें ये स्प्रे, दिखा दो यार। स्प्रे है ची का, ओके इसको आपने इस तरीके से करना। मैंने अपना मेकअप कैसा किया है? भाई मेकअप की क्या बात है, इन्होंने मेकअप आर्टिस्ट को पीछे छोड़ दिया है। झूठे बहुत बदतमीज़ है, थोड़ा सा मुझे मेकअप आता है उसमें मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैंने बहुत प्यारा मेकअप किया, देखिए ना होने से तो होना बेहतर है ना। ओह माय गॉड वाजिद, कैन आई बी वेरी ऑनेस्ट यू, कोई मेरे कोई 8 महीने बाद इस तरह का ब्लो ड्राई हुआ, इतना अच्छा, मुझे तो लगता था मेरे बाल में वो चीज ही खत्म हो गई है कि वो ट्विस्ट और टर्न हो ही नहीं सकते। ये, यार ये भी कर सकते हैं आप और ये भी कर सकते हैं, और ये कितना अच्छा ब्लेंड हुआ है मेरी yes. कलर के साथ बिल्कुल बिल्कुल ब्लेंड हो चुका है। आई लव द ब्लो ड्राई वाजिद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सलाम आपका ट्रस्ट करने का। प्लीज आपको नहीं ट्रस्ट करेंगे तो किसको करेंगे। ओके भाई अब मैं जा रही हूँ अपना हाइड्रा फेशियल, जिसके बहुत सारे फायदे हैं, मेरी डेड स्किन ऊपर से निकल आएगी। अब हम ये सेकंड क्लेंस कर रहे हैं ताकि पोर्स बिल्कुल साफ हो जाएं, उसके बाद हम हाइड्रा शुरू करेंगे। वर्षा बहुत सारे लोग तो रात को बगैर मेकअप साफ किए भी सो जाते हैं, हाउ बैड इज दैट फॉर द स्किन? सबसे बड़ी दुश्मनी अपनी स्किन के साथ यही है कि आप मेकअप साफ ना करें और अपने पोर्स में मेकअप लगा के सो जाएं ताकि उसमें ऑक्सीजन ना जाए। तो वो सबसे पहले फाइन लाइंस, रिंकल्स, एक्ने तो फौरन आ जाती है।
So this is good for fine lines also? Exactly. So what do you recommend? जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या recommend करते हैं? Dermaplaning या फिर ये hydrafacial? आप दोनों मिला के भी कर सकते हैं. ये combination होता है कि dermaplaning आपने की, face आपका पूरा जब साफ हो गया, peach fuzz हड्डियाँ dead skin हट गई आपके face से, तो फिर आपने facial start किया, उससे penetration बहुत अच्छी होती है product की. अब हमारा hydrafacial complete हो गया है, signature hydrafacial जो कि 30 minutes का होता है. और अब हम फेशियल के बाद प्रोडक्ट्स लगाएंगे लाइक सीरम, मॉइस्चराइजर एंड एसपीएफ. सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होती है. विदाउट सनस्क्रीन आप समझें कि बाहर नहीं जाना चाहिए. वैसे तो मैं घर में भी रेकमेंडेशन देती हूँ. सो बुशरा मुझे बताएं कि बहुत सारी खवातीन आती हैं, यू नो लाइक औरत की ज़िंदगी में डिफरेंट फेजेस आते हैं. सो ये जो हाइड्राफेशियल वगैरह कोई लोग अगर खवातीन प्रेगनेंट हो, कोई यू नो प्रेगनेंसी के बाद अपने बच्चों को फीड भी करते हैं, तो क्या डू यू हैव समथिंग, आई मीन डू आस्क देम? हर चीज हर के लिए अलग अलग होता है चीज़ें. बिल्कुल, हम एक फॉर्म फिल कराते हैं या फिर हम जैसे कोई आपको फूड एलर्जी तो नहीं है या आपको कोई प्रोडक्ट एलर्जी तो नहीं है, या मिसाल के तौर पर आपने कोई रेटिनॉल नाइट क्रीम तो नहीं 3 दिन पहले लगाई. अच्छा. क्योंकि सेंसिटिव स्किन होती है, तो सवाल तो बहुत सारे होते हैं फेशियल से पहले. तो मतलब देखिए, हम पाकिस्तान में तो जाते हैं बस जाके कहीं से भी कुछ करा लेते हैं और कभी भी इस तरह का फॉर्म हमें नहीं दिया जाता, ना ही हमें एजुकेट किया जाता है. तो दीज आर द थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. वाओ, थैंक यू सो मच बुशरा, आई फील सो रिलैक्स्ड. मैंने अभी अभी सामने मिरर देखा था और मैं ये कैमरा देख रही हूँ और ये आप देख रहे हैं मेरे स्किन पे शाइन जो आ रही है. माई स्किन लुक्स सो हाइड्रेटेड यार. सो मच फॉर कमिंग. Thank you so much. I mean, I love this. I'm loving this and I'd love to come again and again and it's totally worth it. I'm definitely coming back in 30 days and aap log ka mujhe pata nahi, ye result dekhne ke baad I'm sure you want to get something done too. Kahin bhi jaye, lekin achhi jagah jaye aur trusted insaan ke paas jaye, especially licensed insaan ke paas aur aisa result leke aaye. Okay? Bye guys. Take care. Thank you. Bye. See you.